हाय हेलो, नमस्ते प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग से, और सुबह के बज चुके हैं 8:30। मैं जा रही हूँ राजमा निकालने के लिए बगीचे में, क्योंकि राजमा परिपक्व हो चुकी है तो मुझे वो राजमा निकालनी है। तो मैं आज आपको राजमा की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी कि हमारे पहाड़ में राजमा की खेती कैसे की जाती है। तो चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अब राजमा निकालने। और आज हमारे गांव में मौसम ऐसा है पहाड़ों का, आज चटक धूप खिली हुई है। ये मैं कट्टा लेके जा रही हूँ राजमा निकालने, ये आप देख सकते हैं। तो जा रही हूँ राजमा निकालने। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ राजमा के खेत में। यहाँ पे हमने राजमा बोई थी और राजमा पक कर के तैयार हो चुकी है। जो ये पीले होल में है तो ये परिपक्व हो चुकी है राजमा, और जो ये अभी हरी हो रखी है ये अभी अपरिपक्व है, इसके लिए हफ्ता भर लग जाएगा पकने के लिए। तो राजमा की खेती का लंबा प्रोसेस है, लगभग 5-6 महीने इसको तैयार होने में लग जाते हैं। इस प्रोसेस को लगभग 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसकी बुआई होती है मई लास्ट और जून फर्स्ट में, और इसको निकाला जाता है अक्टूबर लास्ट नवम्बर में। तो इसको कैसे बोते हैं हमारे पहाड़ों में, आप लोग जो पहाड़ से हैं उन्हें तो शायद पता होगा, लेकिन जो अदर लोग वीडियोस देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि हमारे पहाड़ों में ये मई लास्ट और जून में बोई जाती है राजमा, और आजकल निकाली जाती है अक्टूबर और नवम्बर में। तो हमारे यहाँ सबसे पहले इसकी बुआई करते हैं, उसके बाद बुआई करने के बाद इसकी बेल होनी शुरू हो जाती है, ये फैलना शुरू होता है। तो इन पे ये लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ये बड़ी लकड़ियाँ लगाते हैं ताकि इनकी बेल को सहारा मिले और ये फैलती हैं पूरे उसमें, इनमें ये पूरे बगीचे में जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमने इन्हें हमारी स्थानीय भाषा में ठकरा या सीबिट कहते हैं। ये हमें जंगल से लाना पड़ता है और फिर इनको लगाना पड़ता है यहाँ पे, फिर बेल इनके सहारे इन पे जाती है, फिर लगते हैं राजमा। उसके बाद राजमा जब बेल चली जाती है, ये लगा लेते हैं हम ये लकड़ियाँ ठंगरा वगैरह, तो उसके बाद इसकी निलाई करनी होती है। 2 बार तो निलाई करते हैं क्योंकि बरसात का मौसम रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा घास फूस जम उग जाती है तो उसकी निलाई करनी होती है। तो 2 बार मैंने भी इनकी निलाई की थी, और अब ये परिपक्व हो चुके हैं। आज मैं इन्हें निकालने आई हूँ, फिर मैं इन्हें निकालूंगी जो परिपक्व हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो परिपक्व राजमा है वो ऐसी होती हैं पीले कलर की, ये देखो, और जो अपरिपक्व हैं वो ऐसे होती हैं हरे कलर की। तो इन्हें अभी पीला होने में टाइम लगेगा, यानी कि परिपक्व होने में अभी 1 हफ्ता लग जाएगा। तो ये बता दिया मैंने आपको राजमा की खेती के बारे में। और इस बार तो ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या है कि ना, ये ख़राब भी हो चुकी हैं, इन पे पीले पीले दाग आ गए हैं, ये देखो ब्लैक कलर के दाग आ चुके हैं इन पे, ये किसी के अंदर से ना दाने भी ज़्यादा बारिश के कारण काले हो रखे हैं इनके अंदर। तो हमारे यहाँ पे किसान जो हैं खेती करते हैं जो लोग, वो वर्षा पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिंचाई करने का कोई साधन ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है कि ना पानी का इशू ज़्यादा बना रहता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, यहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है गर्मियों के टाइम में। मई जून के टाइम में तो लगभग बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत रहती है, तो बगीचों में तो कहाँ से ही सिंचाई करेंगे, तो नहीं हो पाती है। यहाँ पे हम लोग जो हैं कि वर्षा के जल पे ही निर्भर रहते हैं, तो जब वर्षा होगी तभी ये उगेगा, नहीं तो बारिश नहीं होगी तो नहीं उग पाता है ये सब। फिर जितना उगता भी है असमय बारिश होती है, असमय बारिश के कारण ये सब खराब हो जाती हैं फसलें। वर्षा नहीं होती है तो उग ही नहीं पाता, जितना उगता भी है तो वो असमय ज़्यादा वर्षा के कारण वो ऐसी ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पर जंगली जानवर हैं, लंगूर हो गया, ये भी बहुत क्षति पहुंचाते हैं हमारे खेती को, लंगूर बंदर, ये ज़्यादा वर्षा होना। तो इंसान मतलब 100% मेहनत करता है, उसका 60% ही ले पाता है, कुछ ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो जाता है, कुछ जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ कभी कभी हो नहीं पाता है, कुछ उगता ही नहीं है क्योंकि बारिश की समय पर नहीं हो पाती है। तो ये मैं राजमा निकालने आई हूँ, अब मैं निकालूंगी परिपक्व राजमा जो हो चुकी है, जिनका होल पीले कलर का हो चुका है उन्हें मैं निकालूंगी, और जो हरे रंग का है तो उसे अभी यहीं रखूंगी, उसे जब वो पीला हो जाएगा तब निकालूंगी। तो बने रहे आप लोग, मैं निकालती हूँ राजमा, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। राजमा देखिए,
देख रहे हैं आप, दोनों पत्तों में राजमा की आती है। जो कवर से अलग रखी है राजमा, ये सुखाने के लिए डाली है यहाँ पे, और ये मैं अभी लेके आई हूँ पत्तों में राजमा। यहाँ पे आप पहाड़ी ककड़ी देख रहे होंगे, बीज के लिए रखी हुई है। अब इसे निकालेंगे बीज, फिर बोएंगे अगले साल। तो दोस्तों अब मैं राजमा को छिलके से अलग करती हूँ, फिर निकलेंगी ऐसी राजमा। ही देखो कितनी राजमा हो चुकी है इस बार। देखो दोस्तों ये है राजमा, ये अब मैं इसे छिलकों से अलग करूँगी, ऐसे करके छिलकों से अलग करूँगी मैं राजमा।